सो दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर दे रहे हैं फाइनल पेमेंट करने के बाद और सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद, तो इसमें कितना टाइम लगता है आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक होने में? कितना टाइम लग रहा है? 1 महीना, 1.5 महीना, 25 दिन, 26 दिन, कितना दिन लग रहा है? कोई सही टाइम तो बताओ। सही टाइम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है इस वीडियो के अंदर। इसमें देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक किया हूँ। जब भी किया हूँ, जब पेमेंट नहीं करना था, जब पेनल्टी नहीं थी, और अभी भी कर रहा हूँ जबकि पेनल्टी पे करना हो रहा है। बहुत से लोग हैं गाइस, अभी भी नहीं पता है। अभी भी अगर आप जाएंगे ना, तो उनको नहीं पता है, बेचारे जो गाँव में है लोग, जब अपना बैंक का कुछ काम कर जा रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है। वहाँ पे बैंक वाले कह रहे कि भाई आप लिंक करो, आप बैंक से आपको एक SMS आ रहा है, काफ़ी आपको जो है मैसेज आया है लोगों को कि आपका लिंक नहीं है, प्लीज़ लिंक करो। और काफ़ी लोगों के केसेस में ऐसा हुआ कि उनका 2 पैन कार्ड है और उन्होंने वो पैन कार्ड दे दिए जो बैंक में, जो मतलब उनका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है। ओके, तो बैंक से मैसेज आ रहा है, अब उससे लोग परेशान हो रहे हैं, अरे यार मैंने तो कराया हूँ। फिर जब बैंक में जा रहे, बोले देखिए सर आपका ये वाला पैन कार्ड अपडेट है। फिर बैंक में जो है, अगर आपको अपना पैन कार्ड नया वाला कैसे अपडेट करना है, उस पर वीडियो चाहिए, तो आप, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाद ही 2-3 दिन के बाद अपलोड करूँगा। तो आप भी सब लाइक शेयर करके रख लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकल करवाया हूँ। मेरे एक फ्रेंड का था, जो मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ था, तो मैं खुद पर्सनली पूरा काम करवा रहा, तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। वीडियो आने वाली है तो उसमें ज़रूर देख लेना। अब ये आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन। आप बोलोगे यार ये वीडियो क्यों बनाया, जब 48 आवर्स लिखा हुआ है। भाई अभी हो ना, अभी वीडियो में मतलब आप दिमागदार हो, होपफुली हो गया। गाइस ओके, देखिए इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया कि 30 डेज, जो कि मैक्सिमम टाइम है। देखो, जो भी आपको कहा जाता है वो मैक्सिमम टाइम कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है टाइम ज़्यादा लग सके। अब आपको बोलेंगे 1 दिन, अगर 1 दिन में काम नहीं होता है तो लोग पता है कैसे हो जाते हैं भाई, पीछे पड़ जाते हैं। अब तूने तो बोला था 1 दिन में होगा, हुआ क्यों नहीं, है ना? गेटिंग टेंस ओके, और ह्यूमन बींग एज वेल। तो गाइज, एक्चुअल टाइम क्या लगता है मैं बताता हूँ। अब बहुत जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि अब मोस्टली बहुत से लोग करा चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई साइड में जैसे कि सब अर्बन एरिया में अच्छे खासे लोग करा दिए गाइस। काफ़ी स्टेट्स में जो है कि लोगों को पता है, जो जॉब करते हैं उनका बैंकिंग का काम है, सिम लेना है और ओके, करवा लिए ऑलमोस्ट, कुछ लोग बचे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ इसके लिए। मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर हो जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।